अच्छा मैं आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताता हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से समझना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे मैं 4/9 का इक्विवेलेंट, 4/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालता हूँ, ठीक है। एक नंबर है 4/9, इसका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब किसी नंबर की टेबल लिख देना। जैसे 4 2 क्या होता है और 9 2 क्या होता है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना, क्या हो जाएगा बेटा 8/18। ए इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। मैं 4/9 के और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकता हूं, जैसे 4 को मैंने 2 से सॉरी ध्यान से देखना, 4/9 मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12/27 हो गया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब सेम नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उसका क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। अच्छा इसी का एक और करवा रहा हूं मैं, 9/11, ये फर्स्ट है, एक और करवा रहा हूं सेकेंड वाला 9/11। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलूं तो 9/11 इंटू टू इंटू टू, 9 2 18, 11 2 22। अगर मैं इसी में 3 का मल्टीप्लाई करूं इंटू 3 इंटू 3 तो क्या आएगा 27/33। पहले मुझे ये बताइए किसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने में अब दिक्कत आ रही है, किसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर कोई को किसी को समस्या तो वो पूछ। फिफ्थ ए के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला बोल रहे हो ना, देखिए ये ऐसा बना है और ऐसा 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 है, इसमें टोटल कितने है बेटा 6 और फिल कितने हैं, बस हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए कैसे निकलेगा, 4 को 2 2 से काटा, दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 4 को 2 से काटा तो 2 आया और 6 को 2 से काटा तो क्या आया, बस हो गया बेटा। उसने बोला इसका फ्रैक्शन लिखो और इसी का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो मैंने लिख दिया इसका एक फ्रैक्शन ए है और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ए है। अच्छा मैं और बताता हूं, कहेंगे अच्छा मैं आपको एक और बता रहा हूं, मैं ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखकर बता रहा हूं, ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखकर दिखा रहा हूं मैं, 2/5 का, और ऐसा बता रहा हूं जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 12। इधर क्या आएगा ये बताना है। अच्छा 2 की टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 12 आए 6 बार, तो 5 की टेबल कितने बार पढ़ोगे कि 5 की टेबल 6 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा 30। समझ गए ना, जब एक चीज दिया जब छोटे से बड़ा दिया हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब छोटे से बड़ा दिया हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और जब बड़े से छोटा दिया हो तो डिवाइड, 2 6 12 तो 5 6 30, ठीक है। इसी का एक और बताता हूं मैं सेकंड वाला, अब जैसे इधर 16/40 दिया है और बोल रहा है कि इसका डिनोमिनेटर, सॉरी इसका डिनोमिनेटर 10 बनाना है और न्यूमरेटर बताइए क्या होगा। अच्छा ये बड़े से छोटे में जाते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, किसका डिवाइड करें कि 10 आए 40 को, 4 का, अगर 40 को 4 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4, बस हो गया। अगर किसी को अभी भी समझ, देखिए अब हमें बताना है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है,
एक लिखा है 3/10 और दूसरा लिखा है 15/50। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, दे आर इक्विवेलेंट ऑन नॉट। देखिए ये दोनों किसी सेम नंबर की टेबल में आते हैं क्या? ये दोनों किसी सेम नंबर, अच्छा तो ये दोनों आते हैं किसी सेम नंबर की टेबल में। 5 3 जा 50, 5 10 जा 50, क्या ये दोनों इक्वल है? बोल देंगे यस दे आर इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? यस दे आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट 6/9 एंड 11/18। अच्छा 11/80 किसी सेम नंबर की टेबल में आते हैं क्या? 6/9 किसकी टेबल में आते हैं? 3 को 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 9 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? अच्छा और इधर लिखा है 11/18, क्या ये दोनों इक्वल है? तो हम लोग लगा देंगे नॉट इक्विवेलेंट। क्या लगा देंगे? नॉट इक्विवेलेंट, नो। ठीक है नेक्स्ट 11/18 कौन सिंपलेस्ट फॉर्म में है कौन नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म जानते हो जो और डिवाइड ना, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है जो और डिवाइड ना हो पाए, जो और डिवाइड ना हो पाए उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ध्यान से देखिए, मैं एक देता हूं सिंपलेस्ट फॉर्म फर्स्ट। आपको लिखा है 4/26, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है? कि नहीं है? नो। क्यों नहीं है? हाँ ये दोनों नंबर किसकी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? 2 की। सेम नंबर की, देखो बेटा सेम नंबर की टेबल से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। कैसे नहीं है? सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अंडरस्टैंड। ऐसी का सेकंड वाला देखिए, सेकेंड वाले में लिखा है 18/35, क्या ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में? क्यों है? रिड्यूस 27/72 टू सिंपल फॉर्म। देखो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो दो तरीका बता रहा हूं। कितने तरीके बता रहा हूं बेटा मैं? 2। ठीक है, एक तरीका क्या है 27/72, ए भी 3 से डिवाइड होता है, ए भी 3 से डिवाइड होता है, 3 से किया तो इधर आया 9 और इधर आया 24। अभी भी 3 से हो रहा है, इधर आया 3 और इधर आया 8, आंसर हो गया ए। अब ये फर्स्ट मेथड है, एक सेकंड मेथड। पहले 27 और 72 का एससीएफ निकालेंगे। अरे कोई बताएगा एससीएफ कितना आएगा? कोई बताएगा? गलत बोल दिया बेटा आपने।
9 आएगा, 2 3 कॉमन है, कितने 3 कॉमन है, 2 9। तो अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि दोनों को किससे डिवाइड कर दो, 9 से। 27 को 9 से किया तो 3 और 72 को 9 से किया तो 8, ये आंसर। अब बताइए फर्स्ट मेथड सिंपल है कि सेकंड मेथड? हाँ सेकंड इसलिए सिंपल है क्योंकि इसमें सोचना नहीं पड़ता है, इसमें पता है कि एचसीएफ निकालो और डिवाइड कर दो। इसमें सोचना पड़ता है कि किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब आप क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे। आगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, 56/70। जल्दी से कॉपी, ठीक है, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे, 56 को 7 से काटेंगे तो आएगा 8 और इसको काटेंगे तो आएगा 10। अभी भी 2 से कट रहा है तो 4 और अभी भी ये कट रहा है तो 5। ये फर्स्ट मेथड हो गई। सेकंड मेथड देखिए, 56 का एचसीएफ क्या आएगा, 2 28 2 40 2 7 7 1 और आपका क्या है 70 का एचसीएफ, वो क्या आएगा प्राइम फैक्टर, 2 35 5 7 7 1। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7 2 7 2 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या आएगा इन दोनों में, 2 × 7 मतलब 14 एचसीएफ आ गया। एचसीएफ 14 आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ एचसीएफ 14 आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 56/70 को दोनों को 14 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर आएगा 4 और इधर आएगा 5। बस हो गया आंसर, ठीक है, बस हो गया। आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैं बता रहा हूं, है ना। देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे दिया है, 2/3 3/4 4/5 7/8 4/5 7/9 1/8 कॉमा 7/12। देखिए लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ता है, इन सबका, ठीक है, इन सबका एलसीएम। लाइक फ्रैक्शन जानते हो, सबके डिनोमिनेटर सेम करना, लाइक फ्रैक्शन होता है सबके डिनोमिनेटर सेम करना। तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं, 3 4 5 9 8 12, तो क्या आएगा, 2 2 5 9 4 6, फिर 3 1 5 9 2 3, फिर 2 3 1 5 9 1 3, फिर 3 1 1 5 3 1 1, फिर 3 1 1 5 1 1 1, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72 72 5 360। एलसीएम क्या आया आपका, 360। अब देखिए क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है सबको, क्या बनाना है, लाइक फ्रैक्शन। देखो मैं कैसे बनवाता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा 2/3, ठीक है ना, तो 2 में देखो 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि नीचे 360 बने, तो मैं करता हूं पहले 3 से डिवाइड 360 को, तो आएगा 1 3 6 2 6, फिर 0 0,
क्या आया 120। तो 120 का अगर डिनोमिनेटर में करोगे तो 120 का ऊपर भी करोगे तो आंसर आएगा 240 अपॉन 360। ठीक है, अब सेकंड क्या है, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 360 आए। तो मैं 360 को पहले 4 से डिवाइड करता हूं, 4 9 जा 36, इधर 0 है तो 4, तो मैं इधर क्या लिखता हूं, 90 इधर लिखूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, 270 अपॉन 360। अब देखिए आगे क्या है, 4 अपॉन 5। अब आप लोग खुद डिवाइड करेंगे, मैं बता रहा हूं, इसके बाद आप लोग करके दिखाइए जल्दी से। 4 अपॉन 5, 7 अपॉन 9, 1 अपॉन 8, 7 अपॉन 12। सही है, आगे देखिए इसमें 4 अपॉन 5, देख मैच करना, 5 का मल्टीप्लाई अगर 72 में किया जाए तो 4 का मल्टीप्लाई भी 72 में करना पड़ेगा, दैट इज 288 अपॉन 360। अगर 9 का मल्टीप्लाई 40 में करें तो 7 का भी 40 में करना पड़ेगा तो आएगा 280 अपॉन 360। ठीक है, अगर 8 का मल्टीप्लाई 45 में करें और 1 का भी 45, ये वाला आपका अदिति गलत था, इधर 245 लिखा था ना आपने, इधर 360। अगर इधर 12 का मल्टीप्लाई किसमें किया जाए, 30 में, और 7 का भी 30 में, तो आएगा 210 अपॉन 360, इस तरीके से। ठीक है ना, अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं रिवीजन में कंपेयर कैसे करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा, क्या बताना है कौन बड़ा कौन छोटा, देखिए कैसे बताए। 6 अपॉन 11 और एक है 3 अपॉन 19। देखिए ये जो 6 है, 6 वाले को पहले लिखेंगे, 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 19 से, तो 6 मल्टीप्लाई 19। और ये 3 है, इसको इस साइड लिखेंगे, 3 को इस साइड लिखेंगे और 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 11 से। ठीक है, 19 6 कितना होता है, 114, 11 3 33, क्या बड़ा है बेटा, ये वाला 3 अपॉन 4 एंड 5 अपॉन 12। इसी मेथड से बताना आप, इसी नंबर वाला, पहले इसका क्या लिखना था 3, इसका क्या लिखना था 5, और 3 का मल्टीप्लाई होता है 12 से और 5 का मल्टीप्लाई होता है 4 से, 3 4 3 12 जो होता है 36, 5 4 जो होता है 20, और ए बड़ा ए बड़ा ए बड़ा, बस हो गया आंसर। ठीक है ना, अच्छा अटेंड